उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख आती उससे पहले एनडीए में सीट पर खींचतान की खबर सामने आ गई। इसका केंद्र बिंदु है अंबेडकर नगर की कटेहरी और मिर्जापुर की मझवा सीट, जिस पर योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद दावा ठोक रहे हैं। संजय निषाद और निषाद पार्टी को मझवा और कटेहरी सीट चाहिए? कार्यकर्ता है, पार्टी है, चुनाव लड़ने के लिए बनी है, चुनाव जीतने के लिए बनी है और हम सहयोगी दल सहयोग करने आए हैं। संजय निषाद ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही लाइन में इशारों में बहुत कुछ कह दिया। कार्यकर्ता मनोबल से चुनाव लड़ाता है, चुनाव जितवाता है, अगर सीट नहीं मिलती है तो उसका मनोबल टूटता है और वो जो है अपने उदासीन होकर बैठ जाता है। संजय निषाद की इस दबी ढकी बात के पीछे बड़ी वजह है। दरअसल खबर आई थी कि बीजेपी संजय निषाद की पार्टी के लिए एक सीट देने को तैयार थी, लेकिन शर्त ये थी कि चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ना होगा। इस पर संजय निषाद की नाराजगी सामने आई तो बीजेपी हरकत में आ गई और उन्हें मनाने की कोशिश शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक सुबह संजय निषाद के पास सीएम हाउस से बुलावा आ गया। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद संजय निषाद अपने घर लौट आए। सूत्रों का दावा है कि अगर बीजेपी मझवा सीट निषाद पार्टी को दे दे और निषाद पार्टी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की छूट दे तो संजय निषाद कटहरी सीट पर अपना दावा छोड़ सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि संजय निषाद अब यूपी के नेताओं से बात करने के पक्ष में नहीं है। तो आप इससे अमित शाह जी से भी मुलाकात करेंगे? हाँ, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और खुद बुलवाते हैं इलेक्शन से पहले बातचीत करके एक सामूहिक निर्णय पर हम लोग आ गए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.